जैतपुर कस्बा कुल पहाड़ मोहल्ला बड़ापुरा में मौजूद हूँ, जहाँ आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे लड़कों ने दिवाली खेला है और आपने देखा भी होगा, शायद लड़कियों का नाम नहीं सुना होगा जो आज पहली बार सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कि किस तरह से लड़कियाँ अपनी दिवाली खेल कर अपने मोहल्ले में धूम मचा के रख दिया है। आपने तो दिवाली बहुत खेला है, आप थक भी गई होंगी। हम खेलते रहते तो अभी थक बात नहीं। कैसे लगता है आपको खेलने में? अच्छा लगता है, हमारे भाई लोग खेलते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम भी खेलें दिवाली, लाठियाँ चलाएं। और हम लाठी चलाने के सोचते, जब हमारे भाई चलाते हैं तो हम भी चलाएं, हम भी आगे बढ़े भाइयों के साथ, भाई हमारे आगे चले हम पीछे चलें इसके। आप क्यों पीछे चले? आप तो इतनी अच्छी दिवाली खेलती हैं तो आप तो हमेशा आगे होंगे ना। भाई हमारे पहले से खेलते हैं, हम अभी से खेलते हैं, इसलिए हम भी भाइयों के साथ जाएंगे खेलने की, हमारा भी नाम होगा कि हम लड़की लेडीज लोग खेलते हैं। दिवाली खेल रहे हैं, आपको लाठियाँ डंडियाँ चलानी पड़ रही है, तो आपको डर नहीं लगता है? नहीं, मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई खेल रहे तो मैं भी पीछे खेलूँ और मैं भी खेलना चाहती हूँ जी। तो भाइयों को देख के? हाँ। आपके यहाँ और आपकी दीदियाँ खेलती हैं दिवाली की, आप अकेले हैं? मेरी दीदियाँ भी खेलती हैं। पहले से खेलती हैं? हाँ, 8 साल हो गए खेलते खेलते। और तुम? मैं इसी साल से। किस तरह का महसूस हुआ अभी? अभी गर्व से महसूस हो रहा है कि कम से कम लड़कियाँ भी तो आगे जा रही हैं। अपने दीदियों के साथ, लड़कियों के साथ आप दिवाली खेलते हैं तो कैसे ताल मिला पाते हैं? हम दिवाली गांव भी लेते खेलते हैं, हम कुलपहाड़ जिला महुआ से, और हमारे भाई बहने जे 4 लड़कियां भी जे कहते कि हम के खेलना चाहते हैं, और हमारे भाई बहने भी सब जाते हैं खेलने, बाहर भी गए लेकिन अभी लड़कियाँ नहीं गई, ये भी कहते हम भाई भैया हम भी खेलेंगे, इसलिए हमने ट्रेनिंग की थी इधर। जो आपने ये बच्चियों को ट्रेन किया है, हाँ। तो आप कैसे इनको आगे निकाल पा रहे हैं? और अगर देखा जाए तो बच्चियाँ दीवारी जैसा खेलना बहुत मुश्किल पड़ती है और नहीं खेलती हैं। नहीं तो इनको खिलाया जाता है, उनको बच्चों को बड़ी हिम्मत से सिखाया जाता है, छोटे से सिखाओगे तब जी सीख पाते हैं, है ना। जो सोचे कि हम लड़का सियाना हो गया तो वो नहीं सीख पाता है, लेकिन बच्चे बच्चे में छोटे छोटे करें जब उनको सीख पाते हैं, ये तो बढ़िया इनको कलाकार बनाया है और बढ़िया तरह से खेल पाते हैं। और इतने में क्या जी बाहर भी जाएं कहीं भी जाएं उसमें कोई दगा धोखा नहीं होता है, सीख जाएं जो फिर सीखते रहते हैं। आपकी कमेटी में कितने लड़का हैं कितनी लड़कियां हैं? मेरे कमेटी में 4 लड़की हैं और 13 लड़का हैं, एक खेलते हैं, 5 हैं गाने वाले और 2 बजाने वाले। आपको जब लड़की खिलाते हैं और आपको शील्ड वगैरह मिलते हैं, हाँ, शील्ड और वो है। मिलते हैं तो आपको किस तरह की खुशियां महसूस होती हैं? अरे अपने सब खुशियाँ होती है, जितने सारे बच्चों को होती है खुशियाँ, पूरा गांव सारे आदमी हैं सबको खुशी होती है, इसलिए खुशी की याद सारे हम ले आके जीत के ले आते हैं अपने घर पे रखते हैं, सारे बच्चों का खुशी होती है उसमें। अकेली एक लड़की अकेले पूरे दुश्मनों के ऊपर भारी होती, इसलिए मैंने सोचा कि लड़कियों को छनक भी रहे अंदर, लड़कियों के अंदर अच्छा फौलाद भी रहे और लड़कियाँ आगे बढ़े, ये मैंने सोचा कि यार सब लड़का खेलते हैं हमारी बच्चे भी खेलें, ये बड़े गर्व की बात है, कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं है। और मैं इनके माँ बाप को भी यही कहना चाहता हूँ कि धन्य धन्य उन माँ बाप को जिनने ऐसी लड़कियों को पैदा किया है कि जो लड़कियाँ आज भी हमारे वीरता में उतर आई हैं। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।